इनकी सोच इतनी बढ़िया सोच दिखाई दे रही, जनता इनका ध्येय यही है कि गांव का विकास होना चाहिए। जितने महिलाएं किसी बीमारी से पीड़ित है, कोई बालिका शिक्षा से वंचित है, आदमी के लिए सारा काम बढ़िया है, सभी इनके ला रहा है। एक मानसिक विकास है वो भी हम पूरा कराने की कोशिश करेंगे जिससे उनका मन भटकाव ना हो। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल समर्थ भारत न्यूज में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज से मैं मुनीष शर्मा, आज हम बैठे हैं ग्राम बसवाखेड़ी में और हमारे साथ यहाँ से प्रधान पद की उम्मीदवारी कर रहे हैं श्री देवेंद्र चौधरी जी, वो हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि किस प्रकार की मन में विचार हैं जिसको लेकर जा रहे हैं प्रधान पद के इलेक्शन में, और क्या सोचा है इस क्षेत्र के, इस गांव के विकास के लिए, बसवाखेड़ी के विकास के लिए। ऐसी कैसी, ऐसी क्या मूलभूत समस्याएं हैं इस गांव में और क्या देख रहे हैं यहाँ के विकास को लेकर, मन में किस प्रकार के विचार हैं और क्या इन्होंने सोच बनाई है। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आपने जो है, आपके मन में जो विचार आया है इस बार ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कोई आपने मन में विचार बनाया हो, कुछ मैनिफेस्टो आपने बनाया होगा, क्या कहना चाह रहे हैं, किस प्रकार का विकास करेंगे अगर आप ग्राम प्रधान बन जाते हैं? हमारे यहाँ काफ़ी दिनों से बहुत से लंबित पड़े काम पड़े हैं जो नहीं हो पाए, और आपसी झगड़े बहुत सी चीज़ें उनमें आपस में हो रही हैं। तो सबसे पहले तो हम जो लंबित काम हैं हमारे, जो बहुत दिनों से चार चार पांच पांच योजनाओं से नहीं हुए, उन्हें हम कंप्लीट कराने की कोशिश पूरी पूरी करेंगे, सब आपसी सहयोग से, यानी आपसी सहमति से, उनकी सहमति से ही। एक तो हमारा पॉइंट ये रहेगा। दूसरा, हमारे यहाँ एक जो हमारे जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो एक अंबेडकर पार्क की है, और अंबेडकर जी की प्रतिमा, महापुरुष जी की, हम बाहर सार्वजनिक स्थान पर स्थापित कराना चाह रहे हैं। वो एक बहुत छोटे से हिस्से में कायद हैं, तो उन्हें बाहर निकाल कर हम, और उनके पूरे जो मतलब विचार हैं, विचारों का भी एक शिलापट हम लगाएंगे, जिससे जो हमारे युवा वर्ग या नीचे से आने वाली जो जनरेशन है वो उन महापुरुषों को सिर्फ प्रतिमा का ही अनावरण नामे करें, उनके विचार भी जो उन्होंने महापुरुषों ने हमें विचार दिए थे वो भी अंगीकृत एक शिलापट पर होंगे, जिससे वो पढ़ें उनके बारे में कि हमारे महापुरुषों के आदर्श क्या थे इनके। तो जो अंबेडकर जी की जो मूर्ति है उसको संकुचित जगह से लाकर उसका दायरा बढ़ाना आपका जो है मुख्य उद्देश्य रहेगा। जी जी जी। और बताइए। और उनका अनावरण हम चाह रहे हैं कि उनकी आने वाली जयंती से पहले उनका अनावरण हम करा दें, और एक पार्क की, अच्छे पार्क की स्थापना हम करावें, जिससे युवा वहाँ ज़्यादातर बैठें और उनके विचारों को पढ़ें और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करें। तीसरा हमारा जो है शिक्षा पर हमारा फोकस रहेगा मेन। फिर दूसरा हमारा स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा और धन का सदुपयोग, और बालिका उत्थान, यानी कि भयमुक्त वातावरण हमें देना है, जो कि हमारे यहाँ फिलहाल भय इतना बढ़ चुका कि हर आदमी डरा डरा सा रहता है, पता नहीं क्यों डरा डरा सा रहता है। उन्हें खुला माहौल में हमें अपना एक वातावरण ऐसा देना है, तो खुला जीवन वो सही तरीके से जीवें और भय ना किसी से करें और अपना सही जीवन यापन करें। और चौथा हमारा जो है गाँव स्तर पर जो बजट होगा उसके अनुसार हम एक लाइब्रेरी स्थापित करेंगे। वैसा कुछ युवाओं को हमने प्रेरित किया अभी अभी पीछे, उन्होंने प्रेरित होकर एक आपस में ही सहयोग द्वारा एक लाइब्रेरी की स्थापना भी कर ली। एक प्रयास रहा हमारा, उन्होंने हमारा प्रयास को एक प्रेरणा के रूप में लेकर उन्होंने खुद ही आपस में कंट्रीब्यूशन करके और एक लाइब्रेरी की स्थापना फिलहाल कर ली। तो एक पहला प्रयास हमारा बगैर बनोई ये शुरुआत होगी, ये बहुत अच्छा हम मतलब महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चे इस तरफ चल चुके। तो आपका उद्देश्य रहेगा कि इस लाइब्रेरी को और प्रोत्साहित करके इसको बड़ा बनाया जाए और जो है किताबों की व्यवस्था कुछ उचित की जाए, जिससे जो है लोगों में एक प्रकार से पढ़ने की भावना। हाँ हाँ हाँ। जो हमारे युवा बच्चे हैं जिन्होंने मतलब हायर एजुकेशन कर ली, उन वो घर पर ही अपने एक तैयारी करा और कंपटीशन, अच्छे अच्छे कंपटीशन जो है क्वालिफाई करा और आगे बढ़ा। एक हमारा उद्देश्य है कि हम उसमें और भी सरकार के द्वारा जो धन आवंटित हमें होगा उस पर लगा कर हम उसे और भी बड़ा डिजिटलाइजेशन उसका काम कम करावा, ये चीज़ हमारी होगी। और एक हमारा सातवां जो है समय समय पर हम खेल का आयोजन भी कराएंगे गाँव में, और गाँव पर मतलब खेल का आयोजन करा कर जो है, और छोटे ट्रैक वगैरह हम बनाएंगे जो
बच्चे तैयारी कर रहे हैं फिजिकल टेस्ट की, वो उस पर दौड़ सकें, रेस लगा सकें, अपनी जो स्टेमिना जो उसे बढ़ा सकें। तो हम चर्चा भी करेंगे और जल्द से जल्द उनका समाधान करेंगे कि हम इस पर क्या काम करना। सरकार से जो योजनाएं आएंगी उनसे अवगत कराना और उनके विकास कार्यों के लिए चर्चा करना कि किस प्रकार से की जाए। जी, 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 अब नोवा जो मेरा पॉइंट है, जो हम प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट हम तैयार करेंगे जो हर 6 माह के अंतर्गत पंचायत में हम सार्वजनिक करेंगे कि हमने इतना काम करा दिया। ये हम बिल्कुल ओपन रखेंगे पूरी ग्राम पंचायत के सामने। 10वां जो हमारा पॉइंट है, हमारे यहाँ माध्यमिक विद्यालय है 10वीं तक, उसे उच्चीकृत हम 12वीं तक कराने की पूरी प्रयास करेंगे और उसमें एक ड्रेस कोड की भी हम बालिकाओं के लिए बच्चों के लिए एक वो करेंगे, व्यवस्था करेंगे, हमारे ड्रेस कोड भी बच्चों का एक कंप्लीट हो। ये हमने हमारे विधायक जी हैं वीरेंद्र जाती जी, उनके सामने भी प्रपोजल हमने रख दिया, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया उस चीज़ के लिए। वो उन्होंने कहा कि हम प्रस्ताव जल्द से जल्द आपके माध्यम से लेकर और शासन तक भेज कर इसे हम इंटर तक कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। 11वां जो हमारा पॉइंट है वो संगीत भी बहुत ज़रूरी बच्चों के लिए, सत्संग से विद्वानों द्वारा युवाओं एवं बच्चों में परिचर्चा कर सांस्कृतिक उत्थान का सृजन करना, यानी कि हम जो संस्कारों की कमी बच्चों के अंदर आ रही है, वो भटक रहे हैं अपनी लाइन से, हम उन पर भी विद्वानों के द्वारा अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलाऊंगे और उनके सत्संग करा करेंगे, संगीत के द्वारा उनका जो एक मानसिक विकास है वो भी हम पूरा कराने की कोशिश करेंगे जिससे उनका मन भटकाव ना हो। 12वां हमारा जो है, गांव में हम एक हमारा छोटा सा अस्पताल है उसे CSC सेंटर बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे जिसमें उसमें पूरा का पूरा स्टाफ हो और MBBS डॉक्टर हमारे यहाँ हो और स्वास्थ्य की पूर्ण जो चेकअप व्यवस्था हमारे गांव में ही स्थापित हो। हम शासन से इतना हम काम शासन स्तर तक अपने गांव में कराएंगे। तो ये आपके पॉइंट थे जिनको लेकर हो रहा है मेरा जी। एक 13वां पॉइंट जो मेरा है वो मेन ये है कि हम सब लोग बैठकर एक गांव की प्रगति के लिए एक अकाउंट खुलवाएंगे सार्वजनिक, और अकाउंट खुलवा कर उसका उद्देश्य हमारा ये होगा कि हम सब जो सामर्थ्य लोग हैं जो स्वेच्छा से उसमें कुछ दान देना चाहते हैं डालना चाहते हैं, वो एक हमारा कोष रहेगा, अतिरिक्त बजट रहेगा वो हमारा। हम सब से आग्रह करेंगे भाई थोड़ा थोड़ा इसमें दान दो, आप इसमें कंट्रीब्यूशन करो थोड़ा सा, जिससे कि हम जो महिलाएं किसी बीमारी से पीड़ित है, कोई बालिका शिक्षा से वंचित है, या कोई आपदा से कोई आपदा आ रही है, कोई गवर्नमेंट से हमें वो चीज़ नहीं मिल रही, तो हम उस पैसे को उस जगह इस्तेमाल करना, एक हमारी यह भी एक गांव में पहल होगी। देखिए कितनी अच्छी पहल बताई है कि जो सरकार से जो सुविधाएं आई हैं, सरकार से जो आवंटन होता है उसका इस्तेमाल तो पारदर्शिता के आधार पर करेंगे ही। 12 पॉइंट बताए हैं, इनको लेकर चलेंगे और साथ में जो एक सोच बनाई है कि एक बैंक यहाँ पर अपने स्तर से खोला जाए जिसमें प्रभुत्व लोग जो हैं, जो समाज के जो सक्षम लोग हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करें उस बैंक में, और जो अकस्मात आवश्यकताएं पड़ती हैं महिलाओं को बच्चियों को, वह पैसा उस मद में खर्च किया जाए। यह एक बहुत अच्छी सोच है, सभी को सोचना चाहिए। लेकिन आज देवेंद्र जी ने इतनी अच्छी बात बताई और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये प्रधान पद के चुनाव में जा रहे हैं। अभी पूछना चाहूँगा सुरक्षा के मद्देनजर एक सवाल मेरे जहन में कौंध रहा है इस समय। जिस प्रकार से देवेंद्र जी देख रहे हैं कि आजकल जो क्षेत्र में बताया जा रहा है कि चोरी की घटनाएँ और इस प्रकार से हो रहा है, पहले यहाँ एक चौकी हुआ करती थी आप ही के जो आपका ये गेट है इसके सामने, तो यहाँ पर कुछ पुलिस बल तैनात रहा करते थे, अब कहाँ है चौकी? अब उस वो चौकी तो फिलहाल हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमने SSP साहब से पीछे भी मांग की थी कि हमारे यहाँ चौकी की स्थापना हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारा गांव बॉर्डर के नज़दीक है जी। और यहाँ बॉर्डर नज़दीक UP का बॉर्डर होने के नज़दीक होने से हमारे यहाँ जो
जो नंबर दो के लोग हैं उनकी गतिविधियां बढ़ती हैं जी, गतिविधियां बढ़ जाती हैं, घटनाएं घटती हैं। आप लोग सुन भी रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिव भी हुआ हुआ है कि सुनाई देता है कि कहीं से भी अगर शोर आता है तो आता है कि झबरेड़ा के आसपास घटना घटी, यह बहुत सुनने को मिल रहा है। यह गाँव भी झबरेड़ा क्षेत्र में पड़ता है बसवाखेड़ी। तो आप लोगों ने सुना जो है देवेंद्र जी किन मुद्दों को लेकर जाना चाह रहे हैं प्रधानी के इलेक्शन में, और आइए अब बात करेंगे जो यहाँ पर कुछ लोग कुछ जनता गांव की बैठी है उनसे पूछेंगे कि ये जो देवेंद्र जी ने बात कही है इन सब चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे, इनकी सोच को लेकर क्या कहना चाहेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार देवेंद्र जी ने बताया अपने मैनिफेस्टो? भाई हम तो इतना कामयाब के 71 लाए हैं कि हमारे गाँव में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, इस वजह से अच्छा कैंडिडेट लेकर आए हैं। इससे पहले जो कैंडिडेट थे या प्रतिनिधि थे उनके द्वारा क्या कार्य नहीं किया? बढ़िया काम कुछ नहीं किया जी, उन्होंने कुछ नहीं किया जी, मतलब वंचित रहे हैं अभी तक। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से इनका ध्येय है इस बार? हमारी ऐसा है जो सोच हमारे प्रधान देवेंद्र जी शास्त्री जी की है जी, वो इतनी बढ़िया सोच है जी। लड़ने को तो यहाँ लड़ाई और भी लड़ रहे हैं जी, पड़ोसी है इधर, साडू भाई भी लगता है वो जी, पर इन पर हम क्यों टूट गए? कारण क्या? इनकी सोच इतनी बढ़िया सोच दिखाई दे रही, जनता इन अपनी तरफ मतलब आकर्षित न क्यों कर रही? इसलिए कर रही कि इनकी सोच जितने हैं कह रहे ऐसा करेंगे जी। एक बात इन्होंने विधायक जाति जी को कहा जी। इनकी बात गहले स्वीकार कर ली, क्योंकि जो अच्छी बात हो तो कोई भी मान लगा, मतलब कथनी और करनी में फर्क नहीं है। नहीं जी बिल्कुल नहीं है जी। जो कह दिया करेंगे बिल्कुल करेंगे। तो आप लोगों का समर्थन है, आशीर्वाद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र जी के लिए? मैं कहना चाहूँगा प्रधान पद के लिए जो देवेंद्र चौधरी जी खड़े हुए हैं, ये पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदारी से काम करेंगे और हम इनके साथ हैं। ये पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, समझदारी से काम करेंगे, इसलिए गांव की जनता भी साथ है। और आगे बात करेंगे जी, क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र जी जा रहे हैं प्रधानी के चुनाव? जी अच्छे काम करेंगे ये जी, गरीब आदमी के लिए जी सारा काम बढ़िया है, सब इनके ला रहा। आप लोगों का समर्थन है? इन्होंने विकास की बात रखी है गांव के विकास के लिए जी। और जी इनका ध्येय यही है कि गांव का विकास होना चाहिए। जितने भी अब तक प्रधान रहे गांव में उनकी योजना में इस तरह का यथार्थ लाभ नहीं मिल पाया पब्लिक को, मतलब लैट्रिन या मकान जो भी सरकारी योजना थी उनका मतलब आम पब्लिक को लाभ नहीं मिल पाया। आम पब्लिक को लाभ नहीं मिला, सरकारी योजनाएं जो सरकार की तरफ से आई हैं अभी तक इस गांव में फलीभूत नहीं हो पाई, क्योंकि जो पिछले प्रतिनिधि थे उनके द्वारा कार्य किए नहीं गए, ये कहना है यहां के स्थानीय निवासियों का। क्या कहना? हाँ जी हम शास्त्री के साथ हैं प्रधान जी के जी। हमें विकास करवाना है जी, और भाइयों के सबसे मदद ले रहे हम। अगर शास्त्री जी जीत जाएंगे तो विकास हो जाएगा? हाँ जी पक्की बात है। ठीक है सर, देखिए सभी का कहना यह है कि कर्मठ और ईमानदार और जुझारू व्यक्तित्व निकल कर आया है इस बार बसवाखेड़ी से। पहले के जो प्रतिनिधि रहे हैं उनके द्वारा इतना विकास नहीं करा पाए वो लोग, और उस चीज़ की एक कुंठा है लोगों के मन में, इसलिए इस बार जो देवेंद्र जी लड़ रहे हैं इनका पूर्ण समर्थन है यहाँ के स्थानीय निवासी को।